कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण विश्व में महामारी के हालात बनते नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा आम जनता से स्वयं को सुरक्षित रखे जाने की अपील की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। रेल, बस और यातायात पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जा चुकी है। सरकारी विभागों द्वारा भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए आम जनता से जुड़ी हुई जगहों को सैनिटाइज करने के हर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनपद महोबा में रेलवे विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है। सुबह सवेरे से ही सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई और स्टेशन को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सैनिटाइजेशन के दौरान कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए सुरक्षा के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर जैसे सुविधा रेलवे विभाग द्वारा मुहैया कराई गई है। रेलवे कर्मचारियों द्वारा कोरोना से निपटने के लिए चलाई जाने वाली इस मुहिम में RPF बल द्वारा भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। बचा के मास्क दिए जाते हैं, ग्लव्स दिए जाते हैं, सफाई कर्मचारी जितने भी आते हैं एक एक फुट की दूरी पे उनको लगाया जाता है और सबको दूर दूर काम बताया जा रहा है। अच्छा। और सबको अच्छी तरह से बचाव के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर बार बार हाथ धुलवाए जा रहे हैं और इसी सफर दूर दूर करके काम करवाया जा रहा है। हम लोग उस काम को लड़के जैसे सुबह सब लड़के आते हैं उनको मास्क, ग्लव्स दे के और उनसे बता दिया जाता है कि एक एक मीटर की दूरी में हर जगह सैनिटाइजर करा जा रहा है और हर तरीके से काम कराया जा रहा है। दूर दूर फासला उनका नियमों से पालन हो रहा है। ग्लव्स, मास्क लगाकर अच्छी तरह उनको उनका ध्यान देते हैं। लड़कों का कहाँ कौन लड़का कैसा ग्लव्स पहने नहीं पहने, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, उन्हें मास्क दिए जा रहे हैं और अच्छी तरह सफाई की जा रही है।